नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज पस्त हो गए हैं और श्रीलंका की पूरी टीम मात्र 291 रन पर ही ऑल आउट हो गई है। श्रीलंका की तरफ से सर्वाधिक रन परेरा ने 91 बनाए, जिसके बाद पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने 83 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि जडेजा के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और भारत की तरफ से जडेजा सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। जडेजा ने 3 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद शमी ने भी शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट झटके थे। आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन नहीं दिया है और दोबारा बल्लेबाजी करने मैदान में उतर चुका है। भारत की तरफ से एक बार फिर से अभिनव मुकुंद और शिखर धवन दोबारा बैटिंग करने के लिए मैदान में मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम कब अपनी पारी डिक्लेयर करती है और कितने रन का टारगेट श्रीलंका को चेज करने के लिए देती है।